हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनयनन चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ सपोर्ट मटेरियल क्लास 10 चैप्टर 6। अगर आपने इसकी पहले की वीडियो नहीं देख रखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको 9th और 10th चैप्टर मिल जाएंगे और ये 6th चैप्टर के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देख 21वें क्वेश्चन पर दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और जो है हमारा एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है और एक्स वाई है वो समांतर है क्यू आर के। यदि पी क्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर और पी वाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर तथा पी एक्स का रेशियो एक्स क्यू इक्वल 1:2 हो तो पी आर तथा क्यू आर की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी हमें ये पी आर पूरे की लंबाई और इस छोटे की ये भुजाएं इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम लिखेंगे कि पी एक्स का रेशियो में एक्स क्यू इक्वल में 1:2 है तो इसको हम अपॉन में लिख देंगे, यानी पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू इक्वल 1/2। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, इस पूरे वाले त्रिभुज में एक्स वाई समांतर है क्यू आर के, समांतर है तो पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू इक्वल होगा पी वाई अपॉन में वाई आर के, यानी ये वाली भुजा अपॉन में इस वाली भुजा के और ये वाली भुजा अपॉन में ये इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब भी इसमें एक प्रमेय लगेगी कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो ये वाली प्रमेय आ जाएगी इसमें। ठीक है, अब पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू की वैल्यू आप दे सकते हैं, यहाँ पर दे रखी है तो 1/2 इक्वल में पी वाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 4 और अपॉन में वाई आर की वैल्यू नहीं दे रखी है। वाई आर हमें निकालना है। ठीक है, तो वाई आर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वाई आर इक्वल में 4 × 2 तो वाई आर इक्वल में आ जाएगी 8। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई आर ये वाली हमें हमारी ये निकली है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पी वाई ये दे रखी है 4। ठीक है, और पी वाई आर अभी हमने निकाली है तो पी आर हमारी आ जाएगी इन दोनों को ऐड करके, तो पी वाई प्लस में वाई आर इक्वल में पी आर होती है। ठीक है, तो पी वाई दे रखी 4 प्लस में वाई आर दे रखी 8, ऐड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हमारी पी आर की वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में मांग रखा है। ठीक है, अब पाइथागोर प्रमेय के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज दे रखा है हमें पहले से। अब ये वाली भुजा दे रखी है और ये वाली भुजा दे रखी है तो हम इससे ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। तो पाइथागोर प्रमेय के द्वारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल में पी आर का स्क्वायर, तो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 6 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल में पी आर 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में क्यू आर स्क्वायर इक्वल में 144। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर साइड को माइनस में हो जाएगा, तो क्यू आर इक्वल में जब इसमें से डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 108। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यू आर का स्क्वायर था वो रूट में आ जाएगा, जब इसका रूट खोलेंगे तो 6√3 सेंटीमीटर ये हमारी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं 22 क्वेश्चन पर। दिए गए चित्र में ए बी समांतर है डी ई के और सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली भुजा समांतर है इस वाली भुजा के और हमें कह रहा है कि ना सी डी की वैल्यू यानी इस वाली की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है और ए बी की वैल्यू दे रखी है और इधर डी ई की वैल्यू दे रखी है, तो यानी अगर हम इन दोनों त्रिभुज को अगर समरूप सिद्ध कर दें तो हमारी सी डी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब डी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में, यानी इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मान लिया कि जो हमारा ए बी सी है एंगल और सी डी ई है एंगल उसको हमने 1 और 2 मान लिया। ठीक है, और इसी प्रकार हमने ए सी डी ए सी बी और डी सी ई को हमने एंगल 3 और 4 मान लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी और डी सी समांतर है तो ये एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण तो बराबर होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समरूप सिद्ध होता है त्रिभुज सी ई सी डी के ए ए समरूपता कसौटी से, तो ए बी अपॉन में डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन में सी डी के। अब ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये समरूप है तो इनकी भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी, तो आप यहाँ पे लिख देना कि
समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। फिर इसके बाद आप ये लिख देना, ठीक है, आप ये लिख देंगे। फिर इसमें जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो पुट कर देंगे, यानी ए बी की वैल्यू दे रखी है 6 और डी की वैल्यू दे रखी है 3, इक्वल में बी सी की दे रखी है 5 और सी डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी वृज गुणनखंड करेंगे, तो सी डी इधर आ जाएगा और ये बाकी सारी चीजें इधर आ जाएंगी। तो 5 × 3/6, 3 और 6 कट जाएंगे, 2 आ जाएगा नीचे और इक्वल में 5/2 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हमारी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन करना पड़ता है कि मतलब क्वेश्चन में अगर पूछ रखा है कि आपको क्या निकालना है तो उसी प्रकार आपको आंसर भी देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ हमें समरूप सिद्ध करना है या कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, रचना करनी है, ठीक है। इस प्रकार आपको ना क्वेश्चन के मुताबिक देखना होता है, फिर जाके आप आंसर करते हैं। तो आपको ना ये धीरे धीरे समझ आएगा। आप सोचो कि ये तो कोई कोई होता नहीं है कि बच्चे कहते हैं ये कैसे आंसर मतलब निकाल नहीं पाते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस में लाओ, आपको हो जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा कर लोगे आप। अब आते हैं 24 क्वेश्चन पर। दिए गए चित्र में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के और एंगल बी ओ सी इक्वल में 115 है तथा एंगल सी डी ओ दे रखा है 70 डिग्री हो, तो ज्ञात कीजिए कि एंगल डी ओ सी हमारा हमें ज्ञात करना है और डी सी ओ ज्ञात करना है, फिर एंगल ओ ए बी ज्ञात करना है, फिर एंगल ओ बी ए ज्ञात करना है हमें। अब हमें ये दे रखा है कि ये वाला जो त्रिभुज है वो समरूप है इस वाले त्रिभुज के। तो आपने देख रखा होगा कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसी प्रकार समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर समान अनुपात में होती हैं, ठीक है। अगर हम इनमें इन दोनों ये वाला त्रिभुज दे रखा है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसमें से हम ये तीनों त्रिभुज के मतलब तीनों कोण निकाल लें तो हम उसी वही कोण इसके भी होंगे सेम, क्योंकि समरूप है तो इसके भी संगत कोण बराबर होंगे। तो इस वाले के पहले निकाल लेते हैं, डीओ सी त्रिभुज है इसके कोण निकाल लेते हैं। तो एंगल डीओ सी प्लस में एंगल सी ओ बी इक्वल में 180। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें एंगल डी ओ सी निकालना है, प्लस में एंगल सी ओ बी दे रखा है 115 इक्वल में 180। यहाँ पे प्लस का है 115 तो इधर साइड को माइनस में हो जाएगा, तो एंगल डी ओ सी वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। अब त्रिभुज ओ डी सी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओ डी सी में हमें ये वाला त्रिभुज दे रखा है, ये वाला त्रिभुज हमने निकाल लिया है। अब ये वाला भी निकल के आ जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 की डिग्री के द्वारा, ठीक है। तो एंगल डी ओ सी प्लस में एंगल डी सी ओ प्लस में एंगल सी डी ओ इक्वल में 180 डिग्री। तो हमारा डी ओ सी दे रखा है 65 डिग्री, प्लस में एंगल डी सी ओ नहीं दे रखा है, प्लस में सी ओ डी दे रखा है 70। इन दोनों को ऐड करेंगे 135 डिग्री आ जाएगा, प्लस में एंगल डी सी ओ इक्वल में 180। 135 जब इधर साइड को जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, एंगल डी सी ओ की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है जैसे कि ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, तो इनके जो एंगल होंगे वो भी बराबर हो, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले के एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले के, और ये दोनों ये तो बराबर ही होंगे इधर साइड, ठीक है। तो एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल डी सी ओ के इक्वल में 45 डिग्री। इसी प्रकार एंगल ओ बी ए इक्वल होगा एंगल सी डी ओ इक्वल में 70 डिग्री। अब आते हैं 25 क्वेश्चन पर। यदि दो समबाहु त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्रमशः 144 तथा 96 मीटर हो, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी रेशियो में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर ज्ञात कीजिए। अब हमें दे रखा है कि इनका परिमाप और हमें बोल रखा है इनका रेशियो निकालना है, एरिया यानी क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। समबाहु दे रखा है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालते पहले, यानी इनकी भुजाएं पहले हम निकालते हैं, जब जाके हमारी क्षेत्रफल आएगा। तो जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का ऐड होता है, ठीक है। तो 3a1 इक्वल में 144, यानी पहले की जो साइड है हमने a1 मानी है, दूसरे की साइड a2 मानी है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 3a1 इक्वल में 144। अब यहाँ पे ये 3 है मल्टीप्लाई में इधर साइड को डिवाइड में हो जाएगा, जब काटेंगे ना तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 48, यानी साइड एक यानी त्रिभुज ए बी सी की जो एक साइड है वो निकल गई 48।
अब समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप 3A2 इक्वल में 96, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो A2 की वैल्यू 32, यानी इसकी त्रिभुज पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसकी एक साइड आ गई 32। ठीक है, अब बाकी सारी भुजाएं भी सेम होंगी, यानी 48 इस वाले त्रिभुज में सारी भुजाएं 48 ही होंगी, इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में भी 32 सारी भुजाएं सेम होंगी। तो एरिया त्रिभुज पी क्यू ABC अपॉन में त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल में होगी √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में, अब आपको जैसे पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, अगर नहीं पता है तो आप मैं लिख देती हूँ कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका एरिया होता है जब हम निकालते हैं तो वो होता है √3 अपॉन में 4A² होता है। ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज का, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है √3 अपॉन में 4A² होता है। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का जो होगा क्षेत्रफल वो होगा √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में A² यानी इसकी भुजा, तो इसकी भुजा तो हमने ये निकाली थी 48, तो 48 मल्टीप्लाई में 48। इसी प्रकार नीचे भी √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 32 मल्टीप्लाई में 32। अब हम इसे अपॉन में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालते तो हम अपॉन में ही रखते हैं। ठीक है, √3 अपॉन में 4 कट जाएगा, √3 अपॉन 4, ठीक है, ये भी हमारा कट जाएगा 3 3, और यहाँ पे 2 2 बचेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपॉन में 4 आ जाएगा, यानी एरिया त्रिभुज ABC का रेशियो एरिया त्रिभुज PQR का इक्वल में हो जाएगा 9:4, तो इनका रेशियो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 26 क्वेश्चन पर। दिए गए चित्र में QR अपॉन में QS इक्वल में QT अपॉन में PR तथा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज है PQS वो सर्वांग समरूप है त्रिभुज TQR के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर ऐसा है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि एंगल ये वाला और एंगल ये वाले बराबर है, तो ये वाले जो एंगल बराबर है तो इनकी भुजाएं जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो भी बराबर होगी, यानी इस वाले एंगल की जो ये वाली सम्मुख भुजा है PQ इक्वल होगी इस वाले एंगल की जो सम्मुख भुजा PR के। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में भी बराबर होंगी, जब एंगल बराबर होते हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, दिया है कि QR अपॉन में QS इक्वल में QT अपॉन में PR और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो PQ इक्वल में PR होगी, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अब त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में, यानी TQR ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज, फिर इसके बाद PQR ये छोटा, PQS ये छोटा वाला, ठीक है ये वाला, तो आप इसमें जो पूछ रखा होता है वही हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना है, क्वेश्चन में जो बोल रखा है तो वही रखेंगे, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में एंगल 2 और एंगल 1 बराबर है। इसी प्रकार QR अपॉन में QS इक्वल में QT अपॉन में PQ, आप देख सकते हैं यहाँ पे PR था ना ये वाला, इसकी जगह हमने PQ रख दिया, क्यों रख दिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि PR बराबर है PQ के, तो इसकी जगह पर हमने PQ रख दिया, तो PQ रख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे, समान अनुपाती हो जाएंगे, यानी QR QS अपॉन में, ठीक है, और TQ अपॉन में PQ आ जाएगा, तो यानी ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। सिद्ध इस प्रकार, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के SAS समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब आते हैं 27 क्वेश्चन पर। एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, और सिद्ध कीजिए कि जो 3BC² इक्वल में 4AD² है, यह हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे ABC है और AD लंब है BC पर, और ये आपका बुक का क्वेश्चन है NCERT का। ठीक है, दिया है त्रिभुज AD लंब है BC पर और समबाहु त्रिभुज ABC है, तो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो माना जो AB इक्वल में AC अपॉन इक्वल में BC इक्वल में X माना हमने, यानी इसकी सारी भुजाएं हमने XX मानी। ठीक है, X मानी हमने, और त्रिभुज ABD में ABD इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा
ए बी स्क्वायर इक्वल में ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी हमें दे, हमने माना था ए बी हमारा था एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल में ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी डी पूरा ये दे रखा है बी सी एक्स, तो बी डी हमारा क्या होगा, एक्स अपॉन में टू होगा। ठीक है, हाफ होगा इसका, तो एक्स अपॉन में टू, एक्स अपॉन में टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल में ए डी स्क्वायर, स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर करेंगे इनका, तो एक्स स्क्वायर और फोर आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लस में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर, इधर साइड को माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, तो नीचे हमारा फोर, ऊपर आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में ए डी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में फोर ए डी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये वाली जो यहाँ पे डिजिट थी ना डिवाइड में, इधर साइड को मल्टीप्लाई में आ जाएगी फोर ए डी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमने अभी क्वेश्चन में माना था कि सारी भुजाएं हमारी एक्स है, तो हम इनमें से कोई सी भी रख सकते हैं, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि हमें बी सी ही रखनी है, तो हम बी सी रख देंगे। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर थ्री बी सी स्क्वायर इक्वल में फोर ए डी स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।